मंगल पांडे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान मंगल पांडे जी का है, क्योंकि इन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। इनके द्वारा लगाए गए चिंगारी से ही ब्रिटिश शासन की जड़ें भारत में समाप्त होनी शुरू हो चुकी थी। भारत सरकार ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट को भी जारी किया था। स्वतंत्रता संग्राम की मशाल जलाने वाले मंगल पांडे जी का जन्म बलिया जिले यूपी के नगवा गांव में 19 जुलाई 1827 में हुआ था, लेकिन कुछ इतिहास का इनका जन्म फैजाबाद अयोध्या में मानते हैं। इनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे था। पांडे जी का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उस समय ब्रिटिश सेना में सिर्फ ब्राह्मण और मुसलमान वर्ग के लोगों को ही सेना में नौकरी दी जाती थी। मंगल पांडे अपनी 22 उम्र की अवस्था 1849 में ही ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए थे और कोलकाता के बैरकपुर छावनी में अपनी ड्यूटी करने लगे थे। कुछ समय बाद 34 ब्रिगेडियर बटालियन के एक सैनिक के रूप में उन्हें शामिल कर लिया गया था। उसी समय ब्रिटिश सेना ने भारत सैनिकों के लिए एक नई राइफल का निर्माण किया था, जिसमें बंदूक से गोली चलाने के लिए पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। उसी समय एक ऐसी अफवाह फैला दी गई थी कि बंदूक में प्रयुक्त होने वाला कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बनता है। यह कारतूस हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लिए नापाक था। मंगल पांडे ने अपने साथी सैनिकों की बात पर भरोसा नहीं किया था। एक दिन जब वह स्नान आदि करके रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। उन्होंने हलवाई की दुकान पर जाकर पानी पीना चाहा, तो इससे पहले ही एक छोटी जाति वाले ने पानी के मटके को छू लिया था। ऐसे में जब मंगल पांडे ने उस छोटी जाति वाले को मना किया तो उसने कहा कि जब आप बंदूक चलाते हैं तो वह भी तो गाय और सुअर की चर्बी से मिलकर बनी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंगल पांडे ने तुरंत ही छावनी पहुँच गए थे और उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर कारतूस तैयार किए जाते थे। उन्होंने वहाँ पर देखा कि सुअर और गाय की चर्बी रखी हुई थी, जिससे कुछ सैनिक कारतूस बनाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे थे। उस दृश्य को देखकर मंगल पांडे अचंभित रह गए थे। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर से इस बारे में चर्चा की तो उनके सीनियर ने कहा कि हम आपके इस मामले में कुछ सहायता नहीं कर सकते। अब मंगल पांडे ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह की आग भड़काना शुरू कर दिया था। सन 1857 में यह क्रांति पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल चुकी थी। 9 फरवरी 1857 में नया कारतूस जब पैदल सेना में बांटा गया तो मंगल पांडे ने उस कारतूस को लेने से मना कर दिया था। ऐसा करने पर मंगल पांडे की बंदूक और उनकी वर्दी को उतारने का हुक्म दे दिया गया। मंगल पांडे ने ब्रिटिश सरकार का यह आदेश भी मानने से मना कर दिया। सन 1857 में 29 मार्च को वर्दी छीनने के लिए अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बाग ने जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए तो इन्होंने उन पर हमला कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह कारतूस घातक साबित हुआ। 29 मार्च को ही मंगल पांडे ने छावनी से विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। मंगल पांडे ने अपने अन्य साथियों के साथ इसमें खोले समर्थन करने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ समर्थन देने के लिए मना कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल जॉन हेरसे ने जमींदार ईश्वर प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया। सारे रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया था, लेकिन एक सिपाही शेख पलटू ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय के अंग्रेज सिपाहियों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। पांडे जी को 6 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट के अनुसार मंगल पांडे को 18 अप्रैल को फांसी दी जानी थी।
फांसी के फैसले से जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को 18 अप्रैल को फांसी ना देते हुए 10 दिन पहले यानी कि 8 अप्रैल को ही फांसी पर लटका दिया था। मंगल पांडे जी की इस आदत की घटना पूरे भारत में फैल चुकी थी। जगह जगह पर अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था, लेकिन यह द्वारा अब भड़क चुकी थी। एक महीने के बाद ही 10 मई सन 1857 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर बगावत शुरू हो गई। अब अंग्रेज सरकार को भी पता चला गया था कि भारत में अब ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद ही भारत में 34,735 नए कानून भारत में लागू के दिए गए थे। नए कानून बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कोई दूसरा सैनिक मंगल पांडे जैसी बगावत ना कर सके। लेकिन मंगल पांडे ने भारत में को क्रांति की बीज बोए थे। उससे अंग्रेज सरकार को 100 वर्ष के भीतर ही हिंदुस्तान से ही उखाड़ कर फेंक दिया था। अब लोगों के मन में भी स्वतंत्रता की एक मिसाल चलने लगी थी। अब भारत में प्रत्येक जगह पर अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू हो चुके थे। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे जिनका नाम मंगल पांडे है। आज भी लोग इनके नाम को बड़े ही आदर से लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के जाने माने सेनानी मंगल पांडे, जिन्होंने भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी।